एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। बताया जा रहा था कि सिर्फ एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मामले के सुलझने का दावा किया। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज मेरे दिल्ली आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। हमने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की। वहीं विनोद तावड़े ने एक्स पर लिखा कि यह पहले से ही तय था कि एक लोकसभा सीट के साथ साथ एक विधान परिषद सीट जो अब खाली है आरएलएम को आवंटित की जाएगी। आज मैंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात की और इस प्रतिबद्धता पर कायम रहने का आश्वासन दिया है। आपको बताएंगे, अभी वो खुद बताएंगे जी। धन्यवाद। नहीं, क्या कितने सीट पे बातचीत हो रही है कि दो सीट कहा गया था, आप लोग एक ही सीट दिए, कुछ उनके साथ गलत हुआ है? जो कुछ तय है वैसे ही है। कहा जा रहा है अरे भैया, हम नाराज कब थे कि जबरदस्ती आप लोग।